विप्रो पे तो कहा सुबह से ही बातचीत चल रही है, उसके अलावा कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे आज ब्रोकरेज हाउसेज आए हैं, व्यूज आए हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस के ऊपर क्रेडिट स्विस का एक नया व्यू आया है, न्यूट्रल रेटिंग को अब उन्होंने चेंज किया, न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म किए, टारगेट को भी ट्रिम किया है, 5600 से 5500 किया है। लॉन्ग टर्म में दोनों ही एसेट क्वालिटी और कंपनी की लोन बुक में इंप्रूवमेंट जरूर देख रहे हैं, लेकिन हाँ छोटी अवधि में उनका मानना है थोड़ा शेयर में प्रेशर रह सकता है, एक रन अप आया था कहीं ना कहीं अब उस पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकेगी। साथ ही कंपनी के नतीजे काफ़ी अहम रहेंगे और कंपनी ही नहीं बजाज फिनसर्व जो कंपनी की सिस्टर कंपनी है उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी मैटर करेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ से जो इंटरलिंक्ड ऑपरेशन है कंपनी के वो डिफाइन होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने ICICI बैंक के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, कहीं ना कहीं अब नतीजों से पहले काफ़ी बुलिश हैं ICICI बैंक पर क्रेडिट स्विस। लक्ष्य को बढ़ाया 258 से बढ़ा के 295 किया है, उनका मानना है एसेट क्वालिटी फ्रंट पर एटलीस्ट इस बार ही नहीं तो अगले क्वार्टर से एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी प्राइवेट बैंक की एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, लेकिन हाँ प्राइवेट बैंकिंग में ICICI बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि चीज़ें सुधर रही हैं और वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा बैंक के आने वाले दिनों में। CLSA ने आइडिया के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, रेटिंग को 22 से अब घटाकर आउट परफॉर्म किया है, टारगेट 151 से घटा के 130 किया है। जो आंकड़े आए थे फरवरी मार्च के दौरान सब्सक्राइबर बेस के आंकड़े आए थे उसमें कंपनी का सब्सक्राइबर बेस करीब 60% गिरा, वो चिंता का विषय है, लेकिन हाँ क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है इसी के चलते अभी रेटिंग को चेंज किया गया। अदरवाइज अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें रिलायंस जियो की एंट्री डेफिनेटली एक कॉम्पिटिशन फैक्टर रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है वो एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है और उससे एक नई स्कोप आती हुई दिख सकती है आइडिया के केस में, ये ऐसा CLSA का मानना है। मॉर्गन स्टैनली ने विप्रो के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, नेगेटिव रिपोर्ट है, इक्वल वेट से रेटिंग घटा के अंडरवेट की है, टारगेट 566 से घटा के 516 किया है। पीयर्स के मुकाबले अगर देखें तो कंपनी की आय कमजोर रही है और साथ ही एबिट मार्जिन पे दबाव रहा है और ये दबाव कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा, अब वेज हाइक का इंपैक्ट आएगा मार्जिन पे साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होगा और जो एक्विजिशन किया है उसका भी एक ओवर सप्लाई इंपैक्ट मार्जिन पे आता हुआ दिखेगा अगले क्वार्टर में। और लास्टली नेस्ले के ऊपर एक नई रेटिंग सिटी ने जारी की है, न्यूट्रल रेटिंग से घटा के सेल किया है और जो टारगेट है 6380 से घटा के अब 5650 किया है। कहीं ना कहीं कंपनी का खर्च बढ़ा है, बीते 3 से 4 तिमाहियों में लगातार हम देख रहे थे, पहले लीगल ऑप्शंस की वजह से खर्च बढ़ा, उसके बाद जिस तरह से उन्हें एक डेंट लेना पड़ा मैगी को डिस्ट्रॉय करने पे उसका डेंट है, अब वापस से रीलॉन्च का खर्चा है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का खर्चा है, कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में कंपनी के मार्जिन इंपैक्टेड रहेंगे और खर्च एस्केलेटेड रहेगा।